नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मुझे इतना ट्रॉल मत करो दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा कोई वीडियो दोस्तों। भले ही मेरा नाम हो ध्रुव राठी दोस्तों, लेकिन मैं नहीं लेता कभी भी अपनी गुण में लाठी दोस्तों। जो व्यक्ति जेल में बैठा टाइगर की गांड फाड़ सकता है दोस्तों, मेरा क्या हाल करेगा वो दोस्तों। मैं तो किस खेत की गाजर मूली हूँ दोस्तों, मेरा तो धनिया तक भी उखाड़ देगा वो दोस्तों। मैं जर्मनी में बैठा कैसे तैसे अबरी रोजी और रोटी कमा रहा हूँ दोस्तों। मुझे ट्रोल मत करो दोस्तों, मुझे जीने दो दोस्तों, मुझे बख्श दो दोस्तों। हाल ही में तुम्हारा नदीम खान जो जिस समंदर की शाख बना हुआ था दोस्तों, हाथ जोड़ के उसने माफी मांगी है और बन गया है पॉम्फ्रेट दोस्तों। दोस्तों माफी चाहता हूँ, मैं मोदी जी को एक बार को रोस्ट कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन बिश्नोई समुदाय से मैं पंगे नहीं लूंगा दोस्तों। वो आदमी अमेरिका तक में बैठा अच्छे अच्छों की फाड़ सकता है दोस्तों, मैं तो जर्मनी में बैठा हूँ दोस्तों। मेरी एक जर्मन बीवी है, एक मेरा छोटा बच्चा है दोस्तों। हाथ जोड़वाओ दोस्तों मेरे पे, मेरे भले ही 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर कम हो जाएं दोस्तों, लेकिन मैं प्रोवोक नहीं होऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी दोस्तों, और मैं नहीं लेता हूं कभी भी अपनी गुण में लाठी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। जय भद्रकाली, हर हर महादेव। दोस्तों आजकल ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा रोस्ट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के लिए कि भाई ये बंदा अब तक खामोश है, इसने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस बंदे ने वीडियो क्यों नहीं बनाया। पिछले 24 घंटे में क्या हुआ लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के इस केस के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने वो खबर सुनी थी, वो 5 करोड़ का जो मैसेज आया था, मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो बिल्कुल फेक था। कि सलमान खान के, एक खबर ये थी कि सलमान खान के, पहले तो पुष्टि ही नहीं हो रही है कि मैसेज कहाँ गया। पहले मैसेज ये आया था कि सलमान खान के मोबाइल पे मैसेज किया गया था, सलमान खान का नंबर कोई पड़ा डोल रहा है सड़क पे, जो कोई भी एयर अगर आएगा और सलमान खान के नंबर पे मैसेज भेज देगा, ये खबर बिल्कुल ही झूठी थी। दूसरा मैसेज ये आया कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज किया था कि भाई 5 करोड़ दो वरना बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल सलमान खान का किया जाएगा, वो खबर भी झूठी निकली। और अभी ये खबर आ रही है कि जिस बंदे ने 5 करोड़ का मैसेज किया था वो कहीं झारखंड में बैठा हुआ है, और उसके लिए मुंबई पुलिस झारखंड जा चुकी है, उसे पकड़ने के लिए ट्रेस किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई भी बिल्कुल भी सच्चाई है। कुल मिला के मामला तभी खत्म होगा जब ये सलमान खान बिश्नोईयों के मंदिर जाएगा और वहां जाकर माफी मांगेगा पूरे बिश्नोई समुदाय से। लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई क्यों मांगे माफी, एक हिरन ही तो मारा है, क्या हो गया, एक हिरन मार दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप लोगों ने, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी, टॉम यम वुम करके एक मूवी आई थी काफी साल पहले, बहुत ही तगड़ी एक्शन मूवी थी, थाईलैंड की कहानी थी, जिसमें एक, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं होगी, टोनी जा जिसने ओंग बग भी बनाई थी, तो बहुत तगड़ा एक्शन हीरो है वो, उसके हाथी को किडनैप करके ले जाता है, जिसके ऊपर विद्युत जम्वाल की भी एक मूवी कॉपी मूवी आई थी जंगली करके। तो उसको वो बंदा अपने हाथियों को लेने के लिए थाईलैंड में पूरे 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 अंडरवर्ल्ड से लड़ जाता है, क्योंकि वहाँ हाथियों की पूजा की जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कंगारू मार के दिखा दो, मलेशिया में जाकर कोई मोर मार के दिखा दो, क्योंकि जहाँ वहाँ, यहाँ इंडिया में रह के भी तुम नहीं कर सकते, तुम कोई शेर मार के दिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता यार। शेर हिरन जिस समुदाय के, जिसकी पूजा करी जाती है, ऐसा नहीं है कि तुम खुद ही डॉन बने घूम रहे हो और जाके मार दिया और एक्सेप्ट। मामला यही खत्म हो सकता है, 5 करोड़ 50 करोड़ 250 करोड़ की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। वो मूवी में आपने देखा होगा, उसके वो गांव में रहता है टोनी जा, उसके एक हाथी, छोटा हाथी होता है, बड़ी हाथी उसकी माँ होती है, दोनों को ले जाते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग, क्योंकि वो जो हाथी के दांत होते हैं उसकी स्मगलिंग होती है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोगों ने शायद देखी भी होगी, किसी ने देखी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अगर वो बोल रहे कि लॉरेंस बिश्नोई अकेला ही क्यों पंगे ले रहा है, भाई लॉरेंस बिश्नोई कोई ना कोई तो सामने से निकल के आएगा ना, कोई एक इंसान अगर जिम्मेदारी ले रहा है कि भाई मैं लूंगा ये जिम्मेदारी, मैं सबक सिखाऊंगा, तो इसमें मुझे तो कोई इसमें गलत लग नहीं रहा है। और इसमें मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, मुझे काहे के लिए ट्रोल करते रहते हो, मैं खाली बता रहा हूँ कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ इनके बीच में, उनकी तुम जिस तरीके से फाड़ रखी है। एक और नया मीम बन रहा है कि जेल में वो बैठा हुआ है, घर में कैद मुनावर और सलमान खान हो रखे, अपने ही घर में कैद हो रखे,
मैंने पहले भी बताया था मुनावर फारूकी का तो खामा खामे नाम उछाला जा रहा है। उस बंदे का कोई मतलब उसको कोई मुझे नहीं लगता लॉरेंस बिश्नोई को उस बंदे से कोई कुछ उसको हार्म करेगा। वो खामा खा चार अपने छुटबैया से सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, इधर उधर दिखा रहा है, भाई उसको तो खामा खा फेम की मिल गया है। लेकिन जो बंदे की दहशत कितनी खतरनाक है, जेल में बैठा, जेल भी एक नहीं है कि एक ही जेल में बैठा हो, जेल के अंदर से बैठे बैठे उस बंदे ने क्या पूरा देश हिला रखा है इस टाइम पे। कोई हनी सिंह की कंट्रोवर्सी, कोई बादशाह की कंट्रोवर्सी, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, क्योंकि ये रियल फाइट जो इस टाइम पे चल रही है, ये फाइट खाली इतनी सी चीज के लिए नहीं है। अगर आप उस समुदाय से जुड़े होते, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जो बिश्नोई समुदाय से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि यार कि भाई वहाँ वाकई में हम लोग इनकी इनकी पूजा करते हैं, आप कभी हमारे मंदिर आओ। मैं आप लोगों से ये और कहना चाहता हूँ कि छोटे मोटे आप लोगों ने छपरी जो ये इंस्टाग्राम पे रील से वायरल होते, इनकी फैन मीट होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। मैं लॉरेंस बिश्नोई की फैन मीट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ उसी मंदिर में बहुत जल्दी। आप लोग जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो दोस्तों, क्योंकि मैं लॉरेंस बिश्नोई को जितने लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, जितने मतलब कुछ तो उस बंदे ने अपनी एनर्जी क्रिएट करी होगी ना, एक रियल क्रांतिकारी, आप मानो चाहे ना मानो, जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उस बंदे ने वो एनर्जी, वो वाइब क्रिएट करी है। इतना इतने इस दुनिया में कोई डम्ब, कोई ठस लोग नहीं बैठे हुए, हर इंसान खाना खाता है, मुंह नहीं खाता कोई भी, तो भाई उस बंदे ने वो वाइब क्रिएट करी, उसके अंदर से वो एनर्जी आती है वाकई में भगत सिंह वाली। आप कभी उसके इंटरव्यू ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा वाकई में भगत सिंह का दूसरा रूप है। और भाई बहुत जल्दी मैं फैन मीट ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की फैन मीट वहीं उसी मंदिर में। बहुत जल्दी मैं आप लोगों से डेट भी शेयर करूंगा, मैं खुद भी उस मंदिर जाऊंगा, वो पूरी मीट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और जितने भी बिश्नोई समुदाय के जो लोग हैं, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि यार जल्दी से जल्दी हम लोग मिलते हैं, और जो भी हम लोग कर सकते हैं, जितने भी लॉयर हैं वो उस फैन मीट में ज़रूर आएं और बस जुड़े रहें। ये एक एक क्रांति, एक छिड़ी है जो जो इस देश से डी गैंग, जो कि दाऊद गैंग का सफाया बहुत जल्दी, जो कि बचा कुचा वैसे तो उस बंदे का खत्म ही हो चुका है, उस नल्ले बेरोजगार का कुछ नहीं बचा, वो लटका पड़ा होगा कहीं ना कभी यार, एक पैर लटकाए पड़ा होगा। लेकिन ये जितने भी पंचर वाले यार शिट, इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है यार, ये पंचर वालों ने, इनको निपटाओ फटाफट यार। ये दाऊद के लिए कितना, दाऊद भाई, दाऊद भाई, दाऊद पे, अब्बू सलेम पे, छोटा शकील पे, ये लोगों को प्राउड है। तुम सोच रहे हो जिस बंदे ने इतने निर्दोष लोगों को मारा, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए इंडिया में, उस बंदे के ऊपर इन लोगों को इतना प्राउड कैसे। मैं तो इन लोगों को इंडियंस भी नहीं मानता यार, पहले मैं कभी भी ये नहीं बोलता था, मैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता था। मेरे अभी भी जो दोस्त हैं, कसम से भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन यार मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया है। मैं अब अपने अपने समुदाय के जितने भी सनातनी लोग हैं, मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, अब और तरीके से जुड़ जाऊंगा, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक हैं, बटोगे तो कटोगे, इस बात को याद रखना। और हम लोगों को बटना नहीं है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को इस वक्त एकता दिखानी है, तरीके से दिखानी है। और जब भी फैन मीट होगी बहुत ही बड़े लेवल पे, हम लोग लॉरेंस बिश्नोई भाई के लिए एक फैन मीट जरूर रखेंगे। सेम मंदिर में चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उस तादाद में पहुंचे और बताएं कि भाई हम लोग उस बंदे को दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से। और वो कोई, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये है वो है, कानून के ऊपर मेरे भाई, कानून का जितना खिलवाड़ इन पैसे वाले लोगों ने बनाया है ना, शायद ही किसी ने बनाया होगा। कानून से ऊपर जब क्रांतिकारी कहाँ से पैदा होते, कब जन्म लेते हैं क्रांतिकारी बताओ? जब उनके साथ कुछ गलत होता है तभी ना क्रांतिकारी भी क्रांतिकारी बनता है। तो भाई उस क्रांतिकारी के लिए दिल से सैल्यूट है मेरा, और बहुत जल्दी दोस्तों हम मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और इंतजार करते हैं आगे इस बीच में क्या होता है, हम लोग वीडियो की तरफ जरूर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। महादेव हम लोगों को, आप लोगों की, हम लोगों की रक्षा करे और लॉरेंस बिश्नोई की रक्षा करे, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा नाम है ध्रुव राठी और मैं नहीं लेता अपनी कुंड में लाठी। हर हर महादेव।